सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सूर्य सौर्यमथेन्दुरु च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्र सुखं संशनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाग्रह सर्वे प्रसन्नाग्रह। नया पूजा से अवस्था देवता प्रेमता सूर्या नव देवता प्रेमता नमः। भारतीय राजा जी आपके सुख शांति धन धान्य सब जगह इस विजय लाभादि प्राप्ति के लिए केस आदि न्यायालय में सफलता प्राप्ति के लिए विजय लाभादि धन धान्य आरोग्यता दीर्घायु प्राप्ति के लिए माँ भगवती बगलामुखी का पूजन किया जा रहा है। माँ भगवती बगलामुखी का जो पूजन है विशेष करके शत्रु नाश के लिए, वैसे तो सभी कामना यम चिंतित कामों तम तम प्राप्त निश्चित, जो जिस कामना को लेकर के जिस भाव को लेकर के पूजन करता है उसकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। बगलामुखी को पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है, पीताम्बरा भी लोग कहते हैं। वैसे जो दस महाविद्या हैं, दस महाविद्या शीघ्र ही फल प्रदान करने वाली हैं, उनमें माँ बगलामुखी अत्यंत शीघ्र फल को देती हैं। बगलामुखी का जो अनुष्ठान है, बगलामुखी की जो पूजा है, बगलामुखी की आराधना से शत्रु बगलामुखी की जो आराधना है, ये बगलामुखी की आराधना शत्रु की शक्ति को कुंठित करने के लिए अमोघ अस्त्र के समान है। ये अमोघ अस्त्र है शत्रु की जो शक्ति है उसको जो है कुंठित करने के लिए, शत्रु नाश के लिए इससे बड़ा कोई अमोघ कोई उपाय नहीं है। बगलामुखी के अनुष्ठान से, उनके अर्चन पूजन से दुष्टों की जो दुष्टता है, दुष्टों की दुष्टता दूर होती है। और जैसे न्यायालय में चल रहे जो केस हैं, न्यायालय में चल रहे जो अभियोग हैं केस में, उनमें जो है विजय श्री की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि सभी अविष्ट जो कार्य हैं, सभी अविष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। बगलामुखी के यजन से सब प्रकार की पीड़ा, ग्रहों की पीड़ा, शत्रु की पीड़ा, असाध्य रोग आदि जो बाधाएं हैं पीड़ाएं हैं वो नहीं सताती, उनका नाश होता है। इसके जो बगलामुखी का मंत्र है, इसके मंत्र के पुरस्तरण करने से सब प्रकार की शक्ति द्वारा अपना जो है जीव छुटकारा पा सकता है। सब प्रकार की अनिष्ट की शांति होती है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, दूसरों के द्वारा किया गया जो प्रयोग है वो अपने ऊपर में आघात नहीं पहुंचाता, धन धान्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति हो, दीर्घायु दरिद्रता का जो है नाश होता है। इसलिए माँ भगवती बगलामुखी का जो यजन है पूजन है अनुष्ठान है, ये शत्रु नाश के लिए अमोघ अस्त्र है, इसके समान कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। आइए माँ भगवती बगलामुखी का, बगलामुखी देवी का जो है ध्यान करते हैं। कैसी है बगलामुखी देवी? सुंदर समुद्र के अमृत मणियों से सजी हुई मंडप से, मंडप की जो रत्न जटित चौकी है उस स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई पीत वर्ण पीला वर्ण है। सर्व आभूषणों से सुशोभित सुंदर जो अंग हैं, सुंदर अंगों वाली शत्रुओं की जिह्वा को पकड़े हुए मुद्गर हाथ में लिए हुए ऐसी जो पीताम्बरा देवी है उसको जो है